नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हरियाणा, रेवाड़ी में रेलवे के गोदाम में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म। टॉफी का लालच देकर साथ ले गया था आरोपी। किन्नी टाइम्स, हरियाणा के रेवाड़ी में शराब के नशे में धुत एक युवक द्वारा टॉफी का लालच देकर 4 साल की एक बच्ची को रेलवे गोदाम में ले जाकर कथित तौर पर उससे बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बच्ची के परिजनों द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और आरोपी को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना शनिवार सुबह हुई जब पीड़िता अपने 2.5 साल के भाई के साथ दुकान पर टॉफी खरीदने गई थी। पुलिस ने कहा कि बिहार के बेगूसराय का रहने वाला 19 वर्षीय भोला शराब के नशे में था और वो बच्ची को टॉफी दिलाने का लालच देकर बहला फुसला कर पास के एक रेलवे गोदाम में ले गया, जहां उसने बच्ची से बलात्कार किया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।